हेलो फ्रेंड्स, किरण क्रिएटिव क्राफ्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बचे हुए कपड़ों के टुकड़े से डोरमेट बनाने सिखाऊंगी। ये बहुत ही सुंदर और गद्देदार डोरमेट है। और फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए डोरमेट बनाने शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, डोरमेट बनाने के लिए यहाँ मैं 3 कलर के कपड़े के छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस ली हूँ। देखिए, इसका लंबाई है 4 इंच और चौड़ाई है 4 इंच। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर कोई सा भी अपने मन पसंद कलर के कपड़े यूज कर सकते हैं, जैसे पुरानी कुर्ती, साड़ी, जीन्स के कपड़े आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सभी पीसेस के लिए अस्तर कटिंग कर लेना है। देखिए इसी साइज का, देखिए इस तरह से कटिंग कर लेना है और 3 तरफ से इसको सिलाई लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स, 3 तरफ से सिलाई लगा दी हूँ। देखिए इसी तरह बचे हुए पीसेस को अस्तर रखकर 3 तरफ से सिलाई लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें कपड़ा भरेंगे। ये खुली साइड है, इधर से देखिए कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसमें इस तरह से भर लेना है थोड़ा सा। आप यहाँ पर कॉटन या फोम भी भर सकते हैं। देखिए भर लिए, फिर यहाँ से सिलाई लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स, सिलाई लगा दी हूँ और इधर से भी सिलाई लगा दी हूँ। देखिए बचे हुए पीसेस को इसी तरह कपड़ा डालकर और सिलाई लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स, सारे पीसेस में कपड़ा भरकर सिलाई लगा दी हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सभी पीसेस को इस तरह रख देना है और फिर एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखकर सिलाई लगा देना है। यहाँ भी लगा देना है, इसी तरह सारे पीसेस में सिलाई लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स, सारे पीसेस में सिलाई लगा दी हूँ। इसके बाद देखिए ये अस्तर लेंगे, इसके ऊपर इस तरह रखकर इसको सिलाई लगा देना है। देखिए इस तरह से सिलाई लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स, सिलाई लगा दी हूँ। देखिए इसके बाद पाइपिंग लगाएंगे। देखिए पाइपिंग चौड़ाई है 2 इंच। ऐसा 4 पीस चाहिए चारों साइड लगाने के लिए। यहाँ से इस तरह रखकर सिलाई लगा देना है, फिर इसको इस तरह मोड़कर इस पर सिलाई लगा देना है। फ्रेंड्स देखिए, चारों साइड से पाइपिंग सिलाई कर दी हूँ। मेरा डोरमेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।